हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी की डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि हम बात करते हैं बैम्बिनो एग्रो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की, शेयर प्राइस 297 रुपये और एक दिन में 0.32% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 3.44% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, पिछले 1 महीनों में 3% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीनों में 1% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में 48% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में 20% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 526% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। जैसा कि आप यहां देखते हो, इस स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी 2020 से। 17 जनवरी को इस स्टॉक की कीमत मात्र 113 रुपये थी, अभी ये 300 रुपये में देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी तेज़ी होने के बाद इस स्टॉक्स में क्या अब हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल पर, फिर हम बात करेंगे कंपनीज के फंडामेंटल्स, फिर हम लास्ट में कंपेरिजन्स करेंगे कि इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या फिर हमें इसे स्टॉक को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए। जैसा कि हम कंपनीज के चार्ट पैटर्न को देखते हैं और मंथली टाइम फ्रेम आपको पहले ओपन करना है ताकि आप ये व्यू पता लगा सको कि स्टॉक्स में पोजिशनल व्यू क्या है। अगर स्टॉक का पोजिशनल व्यू अच्छा है, बुलिश है, तो अब हमें इस स्टॉक पे बने रहना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देखते हो, ऑल ओवर अगर हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ऑल ओवर हमें सपोर्ट ये देखने को मिल रहा है 256 रुपये का, और हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 317 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। फिर हमें जो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 377 रुपये का, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई हमें 427 रुपये देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर अभी हमें जो व्यूज देखने को मिल रहा है वो साइड वे हमें देखने को मिल रहा है, यानी स्टॉक में अभी पिछले कुछ महीनों से कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। फिर हमें वीकली टाइम फ्रेम को देखना है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो तो आप ये पता लगाते हो कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से हमें कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, यानी साइड वे हमें ये देखने को मिल रहा है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेकआउट करता है, 317 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तब इस स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी और ये जो तेज़ी है 377 तक जा सकती है। बिकॉज पहले भी जैसे इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया था ये वाला, तब इस स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि जिस दिन ये 320 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करे तब ये 380 तक जा सकता है। अगर 380 रुपये के रेजिस्टेंस लेकर ये वापस भी आ सकता है या फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये 424 तक भी जा सकता है। बट आपको एक नीचे का सपोर्ट भी देखना चाहिए। अगर ये 257 के रुपए के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा तो इसका हमें जो सपोर्ट देखने को मिला है 176 रुपये का देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो आपको इस तरीके से अपना व्यू क्लियर करना है कि स्टॉक में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं तो हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप बनाते हो तो ऑल ओवर देखो, पहला रेजिस्टर सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लेने के बाद अब इसमें यहाँ में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम के बाद हमें डेली टाइम फ्रेम पे आना है, और डेली टाइम फ्रेम पे जो हमने वीकली और मंथली एनालिसिस किया है परफेक्ट वही एनालिसिस हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है। बट ये काफ़ी टाइम से साइडवे हो रहा है, तो इस स्टॉक को आप वॉच कीजिए। अगर ये 317 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब यहाँ हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब ये है, तो ये तो है टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस पे कि कंपनीज के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनीज का डेप्थ कितना है, कंपनीज के प्रॉफिट क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना है कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो पहला मार्केट कैपिटलाइजेशन 236 करोड़ का है, स्मॉल कैप की कंपनी है, करंट प्राइस 295 रुपये, स्टॉक का लो 155 रुपये, स्टॉक का हाई 428 रुपये जो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था। स्टॉक का पी 30.4 है, बुक वैल्यू 92.90 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.54% है। कंपनीज का जो डिविडेंड है वो भी काफ़ी कम हमें देखने को मिला है, बट कंपनी थोड़ा यहाँ पर डिविडेंड भी दे रही है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि कंपनी की जो कैपिटल है उस पर कितना वो रिटर्न कमा रही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को कितना दे रही है, 10% दे रही है, काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर हम बात करें डेप्ट इक्विटी तो 0.91 है, कंपनीज पे थोड़ा कर्ज हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनीज के प्रोडक्ट्स की तो कंपनीज के देखो यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहां देख सकते हो प्रोडक्ट्स हैं,
वर्मिली रोस्टेड, वर्मिली व्हीट राइस, मार्कोनी पास्ता, नूडल्स, सोप, ब्रेकफास्ट मिक्स, स्वीट्स मिक्सर्स, नमकीन स्पाइसी स्वीट्स इन द हिंग, ये सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। ब्रांडिंग आप यहाँ देख सकते हो, बैम्बिनो नाम से ब्रांडिंग है कंपनीज की, और आप इन कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट भी हम विजिट करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि कंपनीज के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कंपनीज क्या क्या नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है। तो आप इस तरीके का यह पेज हमें खोलने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है ताकि आप ये कंपनीज के पूरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ भी किया होगा, अगर आप यूज़ करते हो इन प्रोडक्ट्स को तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कंपनीज के यहाँ पर बिजनेस पर और कंपनीज के प्रॉफिट्स पर। तो देखो मार्केट कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, हालांकि इस क्वार्टर का प्रॉफिट थोड़ा डाउन देखने को मिला, बट ऑल ओवर जो प्रॉफिट है कंटिन्यूअस लॉस से रिकवर होकर अब कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। अगर हम बात करें कंपनीज के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनीज का जो प्रॉफिट्स है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, अभी कंपनीज का जो प्रॉफिट है काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की कंपनी होने के साथ साथ कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कंपनीज के यहाँ पर प्रमोट बैलेंस शीट पर, तो कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी यहाँ आप देखते हो कि कंपनीज का जो रिजल्ट्स है वो भी कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला है। यानी कंपनीज के रिजल्ट्स जब बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो कंपनीज के फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। बोरिंग्स की बात करें तो धीरे धीरे कंपनी अपना जो बोरिंग्स है वो भी काफ़ी कम कर रही है। अगर हम बात करें कंपनीज के यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की, तो आप यहाँ देखते हो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.96% के स्टेक्स है, जो कि कंपनी ने कभी कम ही नहीं किए। ऑलमोस्ट 74.9% के स्टेक्स शुरू से बरकरार रखे हुए हैं, और पब्लिक के पास यहाँ पे 25.04% की होल्डिंग है। यानी ऑल ओवर प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी शानदार हमें देखने को मिली। अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज के बीएससी पर, एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखते हो कंपनीज का जो डिविडेंट है वो यहाँ कंटिन्यूस कंपनी डिविडेंट देती आ रही है 2012 से। कंटिन्यू डिविडेंट देने के साथ साथ कंपनीज ने यहाँ पे कोई भी बोनस नहीं दिया है। ऑल ओवर आप यहाँ देखते हो कि हाल में ही 21 दिसंबर 2021 को 1.60 रुपये का यहाँ पे डिविडेंट भी दिया है। ऑल ओवर कंपनीज का अगर हम बिजनेस को देखें, कंपनीज के यहाँ पे प्रॉफिट्स को देखें, तो ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में और भी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। तो अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।